आपने भी नहीं चाहे ना, झूठ बोलते हैं ये। तो स्नेहा के धुल चुके हैं कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, ये देखिए। रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे ना? पक्का पक्का। तो गाइज अभी मैं रेडी हो गया हूँ आर्मी कैंट जाने के लिए। भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू डायरी ऑफ जीरो टू व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि सब लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी बढ़िया हैं। तो वीडियो में आ गए तो प्लीज कर देना वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल हम लोग आ गए हैं पिथौरागढ़ और आज बहुत सारे काम है घर पे, मतलब कपड़े वगैरह इतने धोने हैं, कपड़े सेट करने हैं, और जो कपड़े गर्मियों के, ठंडियों के जो कपड़े हैं, मतलब गर्म कपड़े, उन सबको रखना है क्योंकि अब गर्मियां आ गई हैं, तो सारे कपड़े वगैरह रखने हैं। तो गाइस फिलहाल कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, और स्नेहा ने आज ब्रेकफास्ट में बनाया है पराठे और क्या है, और सब्जी है कल रात की। रात की सब्जी कौन कौन खाते हैं जरूर बताना, और स्पेशली कढ़ाई में कौन सब्जी खाता है? ये खाती है मैं भी खाता हूँ कभी कभी। तो चाय भी है, चाय पराठे और कढ़ाई में सब्जी, वो भी कल रात की बासी बासी सब्जी का स्वाद ही कुछ अलग है। आप भी खाते हो ना? मैं भी खाता हूँ कभी। मैंने बासी, मैं एक बार बना लेती हूँ, बासी खिलाती हूँ इससे इसका काम चोरी हो जाती है। शाम को बना दो, नहीं होती, टेस्ट आता है अच्छा इसलिए। अच्छा, और मेरे थोड़ा काम कम हो जाता है चोरी में। अच्छा, ब्रेकफास्ट करते हुए घर के खाने की बहुत याद आ रही है, मडवे की रोटी, पुए और क्या था वो, छाछ की सब्जी, वो सब की याद आ रही है। अब यही पिथौरागढ़ आके घिसा पिटा खाना हुआ है इसके हाथ का। घर में तो मम्मी लोग के हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट खाना होता था। कितने गंदे हो यार, तो मैं नहीं बनाती घर में खाना, रोटी हमेशा मैं बनाती हूँ, लेकिन स्पेशल वाला जैसे कुछ चीजें जो तुझे नहीं आती, पुए मम्मी बनाती है, मटर की रोटी होगी, पुए होगी, ये सब। तो मेरा खाना घिसा पिटा है, ये रोज का होता है। हाँ तो होगी रे यार, जाओ अब घर ही जाओ। तो स्नेहा के धुल चुके हैं कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो गए थे ये देखिए, और ये सारे अब मुझे ले जाने हैं छत में, क्योंकि स्नेहा बोल रही है उससे नहीं ले जाया जाएगा, मुझे ले जाने हैं और सारे डाल के आने उधर। और इधर का हाल दिखाता हूँ इस रूम का, ये देखिए, जब से हम गंगोली आर्ट से आए हैं कपड़े ऐसे ही फेंके हैं अभी तक, अभी इनका भी करना है कुछ, ये भी संभाल के रखने हैं, सब बिखरा हुआ है सामान। ये देखिए एक राउंड कपड़े तो मैंने सुखाने को डाल दिए हैं, अभी और लाना है। तो गाइस फाइनली वो टाइम आ गया है कि अब ठंडियों के कपड़ों को, गर्म कपड़ों को अब सूटकेस में पैक कर दिया जाए। ये देखिए सारे जैकेट्स वगैरह मैंने फोल्ड कर दिए हैं, वो वाला है स्नेहा का, ये है मेरा। तो इसमें अब ठंडियों के सारे कपड़े पैक कर देते हैं, होप कि ये जल्दी फिर से निकालने पड़े, क्योंकि गर्मियां तो वैसे ही पसंद नहीं है, जल्दी ठंडी आए और फिर से पहनने का मौका मिले। और वैसे भी पिथौरागढ़ में मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, बीच में कभी बारिश हुई, ठंडी हुई, तो फिर से निकालना पड़ जाएगा। तो फिलहाल तो रख देते हैं इनको, निकालेंगे अब अगली ठंडियों में। तो कुछ कपड़े तो भर दिए इस वाले में और कुछ भर दिए इसमें, बाकी सारे बहुत सारे और थे वो डाल दिए हैं बेड के अंदर। और अभी सुबह के बज चुके हैं 10, देखते हैं बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत अजीब सा मौसम होने लग गया है पहाड़ों में अब। ये देखिए बहुत गंदी सी धूप होने लग गई है, लेकिन थोड़े बहुत पेड़ों की वजह से अच्छा लग रहा है, क्योंकि पेड़ों में नई नई पत्तियां आने लग गई हैं अब। स्नेहा अभी भी नहा के आई है और मैंने चाय बनाई है। आपने बनाई है चाय? ना झूठ बोलते हैं ये, 3 घंटे से मैं बाथरूम में थी, कपड़े धोए, जूते धोए, नहाया, अपना पता नहीं चाय तक नहीं बनाई और पी भी नहीं खुद बना के, लेजी। तो कोई नहीं, एक ही बात हुई जिसने भी बनाई, लेजी पर्सन जिसने भी बनाई। एटलीस्ट चाय बना के पी सकते हो ना? नहीं पी सकते। तो फिलहाल चल रही है चाय, चाय के साथ क्या है ये? बिस्किट। ये वाला बिस्किट किसने खाया? सनफीस्ट ग्लूकोज जो भी है, सनफीस्ट ग्लूकोज। उसके बाद फिर बनाएंगे लंच, कुरकुरे मसाला मंच।
इसके बाद बनाएंगे लंच। लंच बनाओगे आप आज? सॉरी, लंच बनाओगे आज आप? क्यों? क्योंकि मैंने बहुत काम कर दिया है, सुबह 7 बजे से काम कर रही हूँ, अभी तक काम ही करने में हो। और एक ये एक कपड़े सुखाने ले गए, उसका भी इन्होंने बताया मुझे, वीडियो बनाया होगा कि मैं ये कर रहा हूँ, है ना? नहीं बनाया होगा? नहीं बनाया, पक्का बनाया होगा कि मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आपने बनाया होगा। नहीं बनाया। तो गाइस अभी मैं रेडी हो गया हूँ आर्मी कैंट जाने के लिए भाई से मिलने। 2-3 दिन पहले ही भाई हल्द्वानी से पिथौरागढ़ आया है, तो उसकी पोस्टिंग यही है आजकल, तो मैं उसको मिलने जा रहा हूँ। लेकिन वहाँ मैं रिकॉर्ड तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, फोटोज वीडियोज कुछ भी अलाउड नहीं है। तो भाई का छोटा बेबी हुआ है, तो वो अपने दोस्तों में पार्टी वार्टी दे रहा है, तो मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन फोटोज वीडियोज कुछ कर नहीं पाऊंगा शायद, फिर भी ट्राई करूंगा। मैं बेबी की फोटो मैं साइड में लगा दूंगा, प्लीज भाई को विश जरूर करना बेबी के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए। और भाई बन गया है अब दो बेबी बॉय का पापा, तो आज उससे मिलने जा रहा हूँ। तो गाइज मैं निकल गया हूँ घर से, और आज स्नेहा तो साथ में है नहीं, तो इसके आगे शायद रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा मैं। स्नेहा पीछे बैठी रहती है तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करते रहती है, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है। देखता हूँ रास्ते में कहीं पे रुका तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अभी मुझे जाना है इस वाली रोड में जो नीचे को गई है, ऊपर को जो गई है वो वड्डा को है, ये है पूरा आर्मी का एरिया, इधर मुझे वीडियो शूट करने नहीं दिया जाएगा इसके आगे। तो मैं जाऊंगा अभी इसमें, यही मुझे मिलेगा दादा, तो निकलते हैं। तो फाइनली गाइज मैं आ गया हूँ रूम में, और भाई के यहाँ गया था, पार्टी वार्टी हुई वहाँ, खाना पीना खाया और 2-4 जगह घुमाया भाई ने, बहुत मस्त जगह है वहाँ भी। पहले गया था मैं, लेकिन इतना घूमना अलाउड नहीं है उधर, तो आज भाई ने पूरा दिखाया उधर आर्मी का एरिया, तो वो घूमा। उसके बाद सीधे मैं रूम में आ गया हूँ, स्नेहा तो है नहीं रूम में, वो लंच करने ऊपर गई है दीदी लोग के यहाँ, थोड़ी देर में आती होगी। और उधर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि भाई ने बोला उधर अगर कुछ भी शूट करेंगे तो कहीं पे भी सोशल मीडिया पे डाल नहीं सकते हैं। वैसे मैंने कुछ वीडियोस तो बनाई हैं, लेकिन मैं डालूंगा नहीं उनको, उस एरिए की बनाई है, लेकिन वो ठीक नहीं है, वो प्राइवेसी है अपनी, तो इसलिए नहीं डाल सकते हैं। कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को। क्या देख रही है? अपना ही ब्लॉग देख के मुस्कुरा रही है, कौन मुस्कुराता है ऐसे? अपना ही ब्लॉग देख के वाला ब्लॉग देखी, नोनो का पैर फंसा है उसमें और बता नहीं रही है, मेरा पैर फंसा है, एक्सप्रेशन दे रही है, मुंह बना रही है, और आपको पता ही नहीं चल रहा है उसका पैर फंसा ही करके। और अपना ब्लॉग देख के इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि इसमें नोनो है और मुझे नोनो की बहुत ज्यादा याद आ रही है, इसलिए। अच्छा, एक 2-4 व्यूज तो खुद ही बढ़ाती होती रोज। ये वाला मैं बहुत ज्यादा देखी हूँ बर्थडे वाला, क्योंकि नोनू की बहुत ज्यादा याद आ रही है। वो भी यूट्यूब वो भी कर देता है, बैन भी कर देता है। क्या इतनी बार अपना व्लॉग नहीं देख सकते ऐसे? कुछ भी हाँ है? एक आईडी से इतनी बार थोड़ी ना देखते हैं। अच्छा, तो मैं एक ही वीडियो किसी को मैं रिपीटेड देख रही हूँ, अदरवाइज मैं किसी को रिपीट नहीं देखती हूँ, ये नोनू वाला है ना, तो इसलिए। चलो मैं कब जाऊंगी नोनू से मिलने? 8-10 बार और देखो। अब मैं नोनू से मिलने कब जाऊंगी? नोनू से मिलने अब नोनू के नेक्स्ट बर्थडे में? नहीं, मैं अगले महीने जाऊंगी नोनू से मिलने। पागल हो गया ये। ऐसे कौन पीता है पानी? ऐसी चीजें रिकॉर्ड करूंगा तेरी। बहुत बदतमीज हो आप जी, ऐसी चीजें रिकॉर्ड करूंगा जब चुपचाप करके कुछ नहीं। ये ऐसी चीजें करती है बच्चों की तरह, पानी पीना यहाँ से ऐसे, तो अब से मैं जो भी ऐसी चीजें फालतू की चीजें करते रहती है ये मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा। इसको मत डाल, ये तो जाएगा। रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे ना? पक्का पक्का दिखाओ, गेम खेल लो ऐसे, पक्का ऐसे करो। ये वाली फोटो हमारे कितनी पुरानी है याद है? ओह देखो ना, ये वाली कब की है? शादी के तुरंत बाद की है। शादी के तुरंत बाद की तब लगाई थी मैंने, अभी तक वही है।
इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी। तो गाइज अभी शाम के बज गए हैं 5। अभी मैंने दिखाया आपको बाहर का व्यू और स्नेहा गई है पानी लेने। दीदी लोग आ गए थे 4:30 बजे, तो वो लोग गए हैं पानी लेने। तो गर्मियों के दिन आ गए हैं, अब रोज़ पानी लाते हैं शाम को और साथ साथ वॉक भी हो जाती है, तो बढ़िया है पानी लाना। कम से कम 1-2 किलोमीटर तक होगा, तो वहाँ से पानी लाते हैं, बहुत मीठा पानी होता है वहाँ का। तो स्नेहा भी गई है पानी लेने और मैं रूम में अकेला हूँ और मैं सोच रहा हूँ चाय वाय बना लूँ कुछ, लेकिन अभी चाय बना लूँगा तो फिर वो लोग आएंगे, फिर वो चाय बनाएंगे, फिर मुझे पीनी पड़ेगी। इससे अच्छा चाय वाय नहीं बनाता हूँ, अपना ही कुछ काम वाम कर लेता हूँ अभी।